हेलो फ्रेंड्स, रवि चौधरी बैक विद अनदर वीडियो। वेलकम बैक टू माय चैनल रवि फिटनेस। आज जो हम वर्कआउट करने वाले हैं वो है शोल्डर का वर्कआउट। तो शोल्डर और ट्रैप्स को ट्रेन करेंगे और इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज मैं लगाता हूँ वो मैं आपको साथ शेयर करूँगा। तो देखते हैं, वीडियो में मिलते हैं आपसे और एक एक एक्सरसाइज के बारे में आपको बताऊँगा कौन सी एक्सरसाइज किस पार्ट के लिए है और कैसे इसको सही तरीका है और क्या इसका गलत तरीका है और इससे क्या बेनिफिट है। तो चलिए मिलते हैं वर्कआउट के दौरान। तो एक्सरसाइज से पहले हम थोड़ा शोल्डर को वार्म करेंगे और वार्म अप करने के लिए आप जैसे देख रहे हैं कि मैं लाइट वेट डंबल है 2.5 kg, इससे मैं 3 सेट लगाता हूँ जो 20-20 रैप के हैं। सबसे पहले मैं लगाता हूँ साइड रैप लैटरल रेस, नेक्स्ट जो है फ्रंट रेज, और तीसरा जो है वो है डंबल प्रेस। तो यहाँ हमारा वार्म अप कंप्लीट हो गया है और कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले मेक श्योर करें कि आप वार्म अप जरूर करें। वार्म अप करना बहुत अच्छा होता है आपके लिए, आपके जॉइंट्स अच्छे होते हैं, इसमें मोबिलिटी आ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जिससे कि और अच्छा पंप आता है और एक्सरसाइज के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी वो। तो जो पहला वर्कआउट हमारा इसमें होगा होगा साइड लैटरल रेज। साइड लैटरल रेज देखिए मैं आपको कैसे बताता हूँ, ये इस तरीके से मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि वो इस तरीके से लगाते हैं, तो ऐसे एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि ये जो वर्कआउट है ये हमारे मिडल डेल्ट का है, ना कि ट्रैप का। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो इस तरीके से अपने ट्रैप को बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं, तो ऐसे ना करके लाइट वेट से ये चीज़ जो आपके सिर्फ और सिर्फ मिडल डेल्ट पे वर्क करे, ना कि ट्रैप पे। इस एक्सरसाइज के हम 4 सेट लगाएंगे, रेपिटेशन हमारे 10 से 15 के बीच में होंगे। नेक्स्ट वर्कआउट होगा हमारा वो है मिलिट्री प्रेस, कई लोग इसको बारबल शोल्डर प्रेस भी कहते हैं। इसको आप देखिए मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, जो सो मेरी ग्रिप होगी वो ना ज़्यादा वाइड होगी और ना ही ज़्यादा नैरो, शोल्डर थोड़ा सा बाहर ग्रिप होगी और मेरे जो शोल्डर है ये एल्बोज है हमेशा आगे की तरफ होंगे, ना कि इस तरीके से ये करके। इसको सर के ऊपर लेके जाना है, नीचे आपको अपने चिन तक लाना है। ये एक्सरसाइज हमारे ओवरऑल शोल्डर को हिट करती है। इसके भी आपको 4 सेट लगाने हैं 10 से 15 रैप के बीच में। तो जो नेक्स्ट वर्कआउट होने वाला है हमारा वो है डंबल फ्रंट रेज। फ्रंट रेज में मैंने बहुत से लोगों को गलती करते हुए देखा है, उनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो इसको इस तरीके से अपने ट्रैप्स को बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं। जबकि मेरा सजेशन नहीं रहेगा कि आप डंबल को या तो पहले ऐसे पकड़े या फिर इस तरीके से, जिससे कि आपके ट्रैप के ऊपर कम से कम लोड आए और फ्रंट डेल्ट पे ज़्यादा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये फ्रंट डेल्ट की एक्सरसाइज है, ना कि ट्रैप की। और बहुत से लोग इसको ट्रैपरियर मसल को खींचते हैं बहुत ज़्यादा, वो गलत तरीका है इसका। तो आप मेक श्योर करें कि डंबल की जो ग्रिप है वो चेंज करें, जिससे आपके ट्रैप के ऊपर कम से कम लोड आए और फ्रंट डेल्ट के ऊपर ज़्यादा। इसके लिए आपको 4 सेट लगाने हैं, रेपिटेशन जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको 10 से 15 के बीच में। तो नेक्स्ट जो वर्कआउट होने वाला है वो होगा हमारा अपराइट रो, इसको बोलते हैं हम। अपराइट जो है हमारे ट्रैप और रियर डेल्ट दोनों की एक्सरसाइज है,
इसमें मैंने बहुत से लोगों को दिखाया कि जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा क्लोज रखते हैं, तो इतनी क्लोज ग्रिप नहीं रखना, आपको शोल्डर विड्थ ग्रिप रखनी है और ऊपर हल्का सा होल्ड करना है, नीचे डेड करना पूरा, स्क्वीज एंड स्ट्रेच, फुल रेंज ऑफ मोशन में लगाना आपको। तो ये जो एक्सरसाइज है ये हम इसमें अपने ट्रैप्स को इन्वॉल्व करेंगे। पहली जो तीन एक्सरसाइज लगाई हमने वो डेल्ट की एक्सरसाइज थी हमारी, फ्रंट डेल्ट, मिडिल डेल्ट, और जो ये एक्सरसाइज है और जो नेक्स्ट वर्कआउट होगा वो हमारे ट्रेपेज़ियस के लिए होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली एक्सरसाइज। तो जो इसमें नेक्स्ट और लास्ट वर्कआउट होगा हमारा वो होगा बारबल श्रग। आप इसको डंबल से भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको बारबल से यूज़ करता हूँ, और ये हमारे ट्रैप की मसल्स के लिए है। इसमें भी है ग्रिप, बहुत से लोगों को देखा मैंने नैरो ग्रिप यूज़ करते हैं, तो नैरो ग्रिप ना करके शोल्डर्स हल्का सा वाइड लें, ऊपर ले जाएगा पूरा, स्क्वीज करें, होल्ड करें, देन फिर स्ट्रेच, स्क्वीज एंड स्ट्रेच। इसमें आप जितना मैक्सिमम वेट इंक्रीज कर सकते हैं उतना लेके जाएं, और जिस तरीके से मैं आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ सेम इसी तरीके से लगाएं इसको। तो आज का वर्कआउट हमारा कंप्लीट हुआ। जैसे आपने देखा आज मैंने शोल्डर और ट्रैप की मसल को ट्रेन किया है। जो रूटीन मैं फॉलो करता हूँ मैं आपके साथ वही शेयर करता हूँ, कोई फालतू की एक्सरसाइज ऐसा कुछ भी नहीं, या मुझे कोई दिखावेपन का कोई शौक़ नहीं है कि आप ये लगाओ आप लो लगाओ। नॉर्मल एक्सरसाइज ही आपकी मसल को ज़्यादा हिट करती है और ज़्यादा इफेक्टिव होती है आपके लिए। उल्टी सीधी एक्सरसाइज करके आपकी मसल कभी नहीं बनेगी, तो उन सब एक्सरसाइज के ऊपर फोकस ना करें, नॉर्मल वर्कआउट ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ सजेस्ट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर सुधारूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।